नमस्कार मित्रों, जीआईएस परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम। बच्चों, आज हम सबसे पहले संधि प्रारंभ करते हैं। ये संधि का जो टॉपिक है, ये संधि का टॉपिक सभी कक्षाओं में, सभी एग्जामों में, सभी कंपटीशन की क्लासों में, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं में इस संधि का विशेष महत्व है। संधि प्रारंभ करने से पहले संस्कृत व्याकरण के जो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, उस विद्वान का नाम अवश्य लेते हैं और उस विद्वान के सामने हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। उस विद्वान का नाम है महर्षि पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। संधि, संधि का जो मतलब है वो है सम प्लस धा और प्लस की। इन तीन शब्दों से मिलकर, इन तीन शब्दों से मिलकर संधि शब्द की उत्पत्ति होती है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, जिसमें प्रत्यय जुड़ता है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का दूसरा नाम है मूल शब्द या जन्म की अवस्था। किसी भी शब्द की उत्पत्ति जानने के लिए हमें तीन तत्वों का जानना अति आवश्यक है। वो है पहला तत्व उपसर्ग, दूसरा तत्व है प्रत्यय और तीसरा जो तत्व है वो है प्रकृति। इनमें तीनों तत्वों में जो मुख्य तत्व है वो है प्रकृति और प्रत्यय। यानी प्रत्यय प्रकृति में अवश्य जुड़ता है, और यदि प्रकृति नहीं होगी तो अकेला प्रत्यय किसमें जुड़ेगा। इसलिए जिसमें प्रत्यय जुड़ता है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का दूसरा नाम है मूल शब्द और देशी नाम है जन्म की अवस्था। जन्म की अवस्था, बच्चों, प्रकृति में प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द हमें प्राप्त होता है उस शब्द का नाम हो जाता है पद। प्रकृति में प्रत्यय जुड़ने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है, जो रूप हमें प्राप्त होता है, जिस शब्द का निर्माण होता है उस शब्द को हम पद कहते हैं। आगे चलते हैं। संधि में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, यदि संधि का संधि विच्छेद भी यदि वो करवाता है किसी भी एग्जाम में तो हम इसी का संधि विच्छेद कर देते हैं। इसके बाद आता है लक्षण। लक्षण नंबर एक, वर्ण संधान सन। नंबर एक, नंबर दो पर है सन्निकर्ष सही। ये दो लक्षण है, ये महर्षि पाणिनि ने दिया है। ये जो लक्षण है ये आगे आने वाले विद्वानों ने, कात्यायन, पतंजलि आदि ने ये लक्षण दिया है। यानी दोनों का अर्थ एक ही है, परमाणु होता है वर्ण, सन्निकर्षमण होती है समीप। वर्णों की
समीपता को पाणिनि के अनुसार संहिता कहते हैं। वर्णों की समीपता को पाणिनि के अनुसार अर्थात इस लक्षण के अनुसार संहिता कहते हैं। दूसरा वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधान में माने होता है मेल, वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। इसमें दो प्रश्न बनते हैं, कंपटीशन में अधिकांश यही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न जो हैं वो ये हैं, नंबर एक वर्णानाम, वर्णों के सामित्यम किम कथ्य, वर्णों की समीपता को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न वर्णानाम मेलनम किम कथ्य, यदि ये प्रश्न पूछा जाता है वर्णानाम सामीप्यम किम कथ्यते, वर्णों की समीपता को क्या कहते हैं, तो तुम्हें उत्तर लिखना है संहिता और इसका जवाब तुम्हें लिखना है संधि। इस प्रकार से ये दोनों ही प्रश्न वर्णों की समीपता को संहिता कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद संधि को जानने के लिए, क्या संधि को जानने के लिए हमें दो मुख्य बिंदुओं पर नजर डालनी है, वो है संधि युक्त पद और संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि युक्त पद को तोड़ना और प्लस के निशान से जोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, और संधि विच्छेद को जोड़ना संधि युक्त पद कहलाता है। विच्छेद और दूसरा है संधि युक्त पद। विच्छेद तोड़ना और संधि युक्त पद जोड़ना। इसमें एक प्रश्न आता है कि हम संधि विच्छेद किस स्थान से करें। नियम जो लिखा जाता है वो संधि विच्छेद का नियम होता है, युक्त पद का कोई भी नियम नहीं। पाणिनि जी ने जो भी लक्षण दिया है वो परिभाषा जो दी है वो संधि विच्छेद की दी है, इसलिए हमारे सामने समस्या आती है कि हम संधि युक्त पद से संधि विच्छेद कैसे करें। संधि विच्छेद उस स्थान से किया जाता है जिस स्थान पर हमारी जिभ्या कुछ समय के लिए रुकती है, यानी जिभ्या का रुक, हमारी जिभ्या कुछ समय के लिए रुकती है उस स्थान पर हमारे द्वारा दी गई आप सभी लोगों को अवश्य ही एक पहचान मिलेगी। उस पहचान के आधार पर तुम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं। इस प्रकार से संधि युक्त पद को जोड़ना, संधि विच्छेद को जोड़ना और संधि युक्त पद को तोड़ना, दोनों ही तरीके आपके सामने हैं। जिस स्थान पर हमारी जिभ्या कुछ समय के लिए रुकती है उस स्थान से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं बगैर किसी नियम के। मात्र एक पहचान जो बहुत छोटी होती है वही आपको देखनी है, वही पहचान आपकी नज़रों के सामने होनी है। जय हिंद, जय भारत।